नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली है पीड़िता से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने तैनात कांस्टेबल ने पीड़िता के साथ आपराधिक कृत्य किया है। साथ ही आपको बता दें, पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया के जरिए आरोपी से हुई थी। इस मामले में आरोपी पुलिस कांस्टेबल फिलहाल फरार चल रहा है। पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। जहांगीराबाद थाना पुलिस के अनुसार शिकायत 22 वर्षीय युवती ने पुलिस थाने में दर्ज कराई है। पीड़िता जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में ही रहती है। पीड़िता की आरोपी विनोद मीना से एक साल पहले फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। पहले फोन पर बातचीत होती थी, फिर मुलाकात होने लगी। उसने पीड़िता को बातचीत के बहाने जहांगीराबाद स्थित एम्बेसी होटल में बुलाया। यहां उसने प्रपोज करते हुए कहा कि वह उससे शादी करेगा, फिर वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब आरोपी विनोद मीना ने शादी करने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि सोशल साइट पर विनोद मीना की तस्वीर पुलिस यूनिफॉर्म में, वह पुलिस आरक्षक है। न्यूज 69 के लिए भोपाल से दाऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये कल जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में एक FIR हुई है। ये BNS के तहत 376 की कार्यवाही हुई है। उसमें एक लॉ की स्टूडेंट है, उसकी सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से एक लड़के से दोस्ती हुई थी और उस दोस्ती के बाद दोनों के ने शादी वगैरह का वादा हुआ आपस में और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने और उस लड़के ने फिर इस महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी वगैरह के साथ मना कर दिया और इस लड़के ने इसको धोखा भी दिया कि मैं पुलिस में आरक्षक के पद पे नौकरी कर रहा हूँ। जब इस महिला को पूरी हकीकत पता लगी और उसने शादी से मना किया तो उसने थाना जहांगीराबाद में FIR दर्ज कराई है, जो अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें अभी आरोपी फरार है? हाँ, अभी आरोपी फरार है और उसके संबंध में गिरफ्तारी के भी प्रयास कर रहे हैं और उसने क्या आरक्षक है या नहीं है इस संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन में। अब ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा कि एक साल, दो साल या छह महीने कब कितना रिलेशनशिप में ये लोग रहे हैं, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन में आगे चीजें आएंगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।